एक डॉक्टर भी है ना। आईपीएल के पहले ब्लॉकबस्टर मैच में आप सभी को बहुत स्वागत है आईपीएल फीवर विद डीएनए में। और आज हम बात करें तो पहले ओपनर मैच में सीएसके ने 6 विकेट से आरसीबी को हराया। शशांक और लव हमारे साथ हैं, तो शशांक पहला रिएक्शन आप दोनों का, क्योंकि एक मेरे लेफ्ट में बैठे सीएसके फैन और एक आरसीबी फैन। देखिए, सबसे पहले बात तो ये चीज तो माननी पड़ेगी, मतलब जिस तरीके से इतनी खराब सिचुएशन में आरसीबी थी, एक टाइम पे कि 70 पे 5 था, वहां से अनुज रावत और दिनेश कार्तिक की तारीफ पहले तो बनती है जरूर की वो स्कोर जो 137 लग रहा था वो 174 गया है, तो वहां पे तो अब बिग पॉजिटिव फॉर आरसीबी गोइंग फॉरवर्ड इन द टूर्नामेंट, क्योंकि 14 मैचेस है, बहुत पहला ही मैच है, तो इसमें इतना मुझे नहीं लग रहा कि पैनिक करने की बात है। पैनिक करने की एक चीज ये है कि बॉलिंग जो कंसर्न जो आरसीबी के हमेशा रहे वो एक और बार दिखाई, 10.5 करोड़ के आसपास की बाय थी हजारी जो सब टोटली फेल लगे हैं। अब मोहम्मद सिराज इतना अच्छा नहीं कर पाए इस मैच में, हालांकि कंसिडरली उन्होंने अच्छा किया लगातार, लेकिन इस मैच में वो अच्छा नहीं दिखा। करण शर्मा महंगे साबित हुए, विकेट जरूर लिया रचिन रविंद्र का, लेकिन उसके बाद बहुत महंगे साबित हुए। कुछ खराब फैसले हुए डुबेस की तरफ से कि मयंक डागर ने जब 2 ओवर में 6 रन दिए उनको वापस नहीं लाया गया सीएम दुबे के उधर, क्योंकि एक चीज वो जो दिखता ना कि मन में बना लिए कि लेफ्ट आर्मर बैटर है तो लेफ्ट आर्मर ऑफ्सपिन को बॉल नहीं देंगे, वो चीजें दिखी। मैक्सवेल ने 1 ओवर में 7 रन दिए उनको वापस बॉलिंग पे नहीं लाया गया, तो बहुत लेट लाया गया। पहली बात तो रचिन रविंद्र के आगे भी उनको ला सकते थे, बावपले में बॉलिंग भी करी है मैक्सवेल ने, तो कुछ मुझे को लग रहा है कैप्टेंसी ब्लंडर्स हुए हैं, लेकिन स्टिल फर्स्ट मैच इतना कोई पैनिक वाली बात नहीं है, क्योंकि वो कंसर्न सीएसके के लिए भी सेम ही है कि वो जो चीज को आपको 137 पे रोकना चाहिए था आपने 174 वहां पे बनवाए। बैटिंग में भी स्टार्टिंग में रचिन रविंद्र ने वो 7 में 70 लगा दिए, 7 ओवर में 70 लगा दिए, इसीलिए सीएसके लास्ट में बिना कुछ ज्यादा बड़ा किए भी वो मैच आराम से निकाल गया, वरना अगर वो 7 में 70 नहीं आते तो सीएसके की तरफ से भी लग रहा था कि वो मैच फंस सकता था। बट स्टिल फर्स्ट कॉल बिग कॉन्ग्रेचुलेशन टू सीएसके फैन, इवन ऋतुराज गायकवाड़ को, क्योंकि जिस तरीके से पहला मैच है एज कैप्टन बिग शूट्स टू फेल, भले ही वो ना कहे लेकिन वो प्रेशर उन पे है, हमेशा रहेगा, जब तक करेंगे तो उनके लिए एक अच्छी चीज है कि जो रिकॉर्ड रहा है लगातार सीएसके का चेपॉक मैच के खिलाफ कि वो 7-1 था, 8-1 हो गया, तो वो उनके वो दामन पे एक दाग जो लग जाता वो नहीं है, तो उनके लिए बहुत अच्छा है गोइंग फॉरवर्ड इन द टूर्नामेंट। जी लव आपका इसमें। देखिए सबसे पहले तो सीएसके ने जिस तरीके से परफॉर्म करा, बहुत मुस्तफिजुर रहमान जब आए थे तो किसी ने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि इस तरीके से बॉलिंग करेंगे और लगातार विकेट्स जो उन्होंने चटकाए, आरसीबी की कमर तोड़ दी बिल्कुल मुस्तफिजुर ने। उसके बाद फिर तुषार देशपांडे बड़े महंगे साबित हुए, लेकिन मुझे लगता है कि तो चांसेस उनको और देगी सीएसके, लास्ट सीजन में बहुत महंगे साबित हुए जैसे हम लोग बात कर रहे थे। बाकी बैटिंग सीएसके की मुझे बहुत पुख्ता नजर आई, अभी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही है अपार्ट फ्रॉम शिवम दुबे। शिवम दुबे स्टार्ट बहुत धीरे किया, एंड तक बहुत स्लो थे, एंड में वो बाउंड्रीज आ गई लेकिन वो इतनी सेटिस्फाइंग नहीं लग रही थी कि वो जैसे बैट पे बॉल उनके लास्ट सीजन आ रही थी उस तरीके से बैट पे बॉल कनेक्ट नहीं होती थी। रचिन रविंद्र ने अच्छी पारी खेली, वो बहुत अच्छे टेस्ट में नजर आए, बॉल मिडल कर रहे थे बैट पे, बहुत कॉन्फिडेंट नजर आए थे पहले मैच में, तो एक उनका बहुत पॉजिटिव साइन है एक सीएसके के लिए कि अब लंबे टर्म के लिए सीएसके को अच्छा प्लेयर मिल गया है, जो कि मुझे लगता है कि सीएसके नेक्स्ट ईयर ऑक्शन के लिए रिटेन भी करेगी, क्योंकि उनको बहुत कम रेट पे बहुत ही बढ़िया फॉर प्लेयर मिल गया है। इससे पहले हम आए स्कोर कार्ड के साथ, क्या रिएक्शन लग रहा? मुझे तो देखिए पहला मैच बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि सीएसके डोमिनेट कर रही थी। जब हम पहले उनकी बॉलिंग में बात करें तो उन्होंने जिस तरीके से 70 रन के करीबी 5 विकेट गिरा दिए थे, उसके बाद एक बड़ी पार्टनरशिप हुई, 100 रन के आसपास की पार्टनरशिप हुई, लेकिन जब भी आप देखें 170 रन हमें दिख रहा था कि पार स्कोर है, लेकिन फिर जब पावर प्ले की बात करें तो जो रचिन रविंद्र ने ताबड़तोड़ आते ही चौके छक्के मारे और उनकी जो स्ट्राइक रेट रही वो बहुत ज्यादा ही अच्छी रही, करीबन 250 की स्ट्राइक रेट से रन मारे उन्होंने, तो वो देखिए कि 15 बॉल में 37 रन मारे, 3 छक्के 3 चौके, तो वो जो स्टार्ट जो चाहिए थी सीएसके को जो बहुत टाइम सब मिसिंग थी, कॉनवे गायकवाड़ खेलते थे लेकिन इतनी ज्यादा फायरिंग पावर नहीं थी जो रविंद्र लेके आए, और पहले ही मैच खेल रहे हैं, गायकवाड़ कप्तानी में अपना पहला बॉलिंग प्रोवाइड करते हैं, रचिन रविंद्र बॉलिंग भी करना बिल्कुल वो अभी तक बॉलिंग नहीं की उन्होंने इस मैच में, लेकिन हमें पता है कि वो कभी ना कभी अलग अलग पिचेस पे कंडीशन पे सिचुएशन पर उनको इस्तेमाल किया जाएगा। फिर रहाणे पर हमने देखा था कि रणजी में सवाल उठ रहे थे, लेकिन आखिरी मैच में जब उन्होंने फाइनल में जो 50 रन की एक पारी खेली तो उससे उनको कॉन्फिडेंस तो आया था, तो उस नजरिए से देखें तो 140 की स्ट्राइक रेट बुरी नहीं थी, 19 बॉल में 27 रन मारे उन्होंने, 2 छक्के लगाए, चौके मारे ही नहीं उन्होंने, तो उस नजरिए से वो देखें तो वो भी जा रहे थे रन बनाने के लिए। शिवम दुबे बहुत टाइम तक हमें दिख रहा था कि मैच में स्ट्रगल ही कर रहे थे, फिर उसके बाद जो उन्होंने बीच में जब हमने खेलते रहे और उनको कुछ लूज बॉल्स मिली कहीं पर, उन्होंने गैप्स पे चौके मारे, फिर वो एक अच्छा
मैच में अगर हम बात करें तो नॉट आउट गए 34 रन पर, 4 चौके मारे, तो अब वो ज्यादा कन्विंसिंग दिखे, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी वो थोड़ा सा वीक पॉइंट है कि वो शॉर्ट बॉल्स को ज्यादा अच्छे तरीके से नहीं खेल पा रहे हैं। वहीं रविंद्र जडेजा भी एक तरफ खड़े रहे, धोनी को या रिजवी को अभी आने की जरूरत नहीं पड़ी, तो उनको अभी इंतजार करना पड़ा, चेन्नई के फैंस को इंतजार करना पड़ा, वरना ओवरऑल देखे तो चेन्नई के फेवर में मैच गए। और अगर हम स्कोर कार्ड, अब शशांक हम स्कोर कार्ड दिखा देते हैं दर्शकों को कि क्या स्कोर कार्ड रहा दोनों पारियों में, फिर ओवरऑल लास्ट कॉल ले लेंगे कि अब क्या दिख रहा है आरसीबी के लिए, क्या इस मैच में स्ट्रेंथ और वीकनेस रही, और वही सीएसके के लिए अभी प्लस पॉइंट क्या है और किन किन चीजों पर उनको काम करना पड़ेगा। वही अब हम स्कोर कार्ड देख रहे हैं, तो इसमें हम सबसे पहले बात करने वाले हैं आरसीबी की, जिन्होंने मैच शुरुआत में बैटिंग टॉस जीतकर बैटिंग का डिसीजन लिया था, वो उनके फेवर में नहीं गया, जो कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो बैटिंग फेवर में जा रही थी। विराट कोहली 21 रन 20 बॉल रन अ बॉल, 35 रन, फाफ डुप्लेसी 23 बॉल में 152, वो उन्होंने अच्छी शुरुआत की। फिर दो डक्स आउट हुए, गोल्डन डक पे मैक्सवेल गए और रजत पाटीदार ने भी शून्य पे आउट हुए। कैमरन ग्रीन की भी बहुत ही अच्छी पारी नहीं रही, 80 की स्ट्राइक रेट, 18 रन 22 बॉल। अनुज रावत और दिनेश कार्तिक, जो हम सोच रहे हैं कि टॉप फाइव के बाद थोड़े से वीक पॉइंट है आरसीबी पर, उन्होंने ही आज रन बनाए, 192 की स्ट्राइक रेट, 48 रन 25 बॉल, और दिनेश कार्तिक 38 रन 26 बॉल। अब सीएसके, अगर हम सीएसके की बॉलिंग की बात करें तो शशांक आप इसको बॉलिंग पे अगर बताना चाहे, दीपक चार से लेकर काफी कुछ तो बहुत ही ज्यादा हैवी गए, लेकिन मुझसे जोर की बॉलिंग सबसे, देखिए स्टार्ट करते हैं, मेरे को लग रहा है कि दीपक चार से स्टार्ट करते हैं। हमने स्टार्टिंग में देखा लगातार पहले दो ओवर बहुत अच्छा नए बॉल को यूज किया और वो स्पिन स्विंग लगातार हमको दिख रहा था बॉल में। उसके बाद तुषार देशपांडे के साथ स्टार्ट किया, बॉल ऊपर नीचे थोड़ा अनइवन बाउंस था, वो चीजें लग रही थी, लेकिन 4 ओवर तक आरसीबी 37 के स्कोर पे बिना किसी नुकसान पे था। जो मास्टर स्ट्रोक हुआ जब ऑक्शन में भी मुस्तफिजुर रहमान को लिया था, तो ये चीजें कही गई थी कि चेपॉक के पिच पे मुस्तफिजुर रहमान बहुत एक अच्छे बाय हो सकते हैं, और वो उन्होंने चीज दिखाई भी कि पहला ओवर आए, 5वां ओवर पावर प्ले का था जो उनका पहला, उसमें आए फाफ को आउट किया, पाटीदार को आउट किया एक ही ओवर में, उसके बाद फिर 6वें ओवर में दीपक चाहर ने आउट किया, आई थिंक मैक्सवेल को उन्होंने आउट किया, फिर 8वें या 9वें ओवर के आसपास में आके मुस्तफिजुर रहमान ने फिर विराट कोहली को भी आउट किया, नहीं 12वें या 13वें ओवर में एक साथ 2 विकेट, हां फिर विराट कोहली को आउट किया, उसके बाद कैमरन ग्रीन को आउट किया, तो सबसे अच्छी बाय बन के इनकी भी साझेदारी बन रही थी, विराट कोहली कैमरन ग्रीन भी साझेदारी धीरे धीरे करके बना रहे थे और उसी के पहले, और हमने देखा भी उसके पहले जडेजा का एक ओवर था वहां पे सिर्फ 1 रन है, और उसके बाद हमने बात कही भी थी कि पिछले ओवर में 1 रन आया और इस ओवर में तो उसके बाद मुस्तफिजुर रहमान के मेन बॉलर से हमको लाया अटैक पे विकेट के, तो कहीं ना कहीं बीच में स्टार्टिंग में और बीच के ओवरों में चेन्नई की अच्छे टैक्टिक्स थे। लास्ट ओवर में डेथ बॉलिंग थोड़ा सा कंसर्न अभी भी लग रहा है, जरूर अभी भी मैं तुषार देशपांडे को पूरा इस चीज में नहीं वो करूंगा, क्योंकि एक ओवर किसी ना किसी का कहीं ना कहीं महंगा जाना ही था जो उनके साथ किया, क्योंकि अगर तुषार देशपांडे अच्छी बॉलिंग नहीं करते तो जो 174 था वो 185 होता। लास्ट ओवर बहुत शानदार तरीके से उन्होंने खत्म किया, जबकि 18वें ओवर में उनको रन पड़े थे, उसके बावजूद भी लास्ट ओवर में तुषार देशपांडे एंड में जो आपने बता रहे हैं वो 175 से 185 हो जाते, वो 175 पहुंचते ही नहीं, वो 155 रुक जाते अगर वो उस ओवर में 25, क्योंकि देखिए एक आध ओवर तो खराब जान था, वो एक ओवर 26 रन आया 18वें ओवर में, उसके बाद भी हमने बात की 19वें ओवर में मुस्तफिजुर रहमान के ओवर में 16 रन है, हमने बात करी कि कोई इसमें वो नहीं, आपने कहा था कि बहुत बेहतर रहा तो 15 रन कम से कम जाएगा अगर बहुत अच्छा डाल दिया, लेकिन 9 रन आए सिर्फ ओवर में, जिसमें वाइट के भी रन थे, उसमें एक दो तीन लगा, उसमें 3 रन है, उसमें 2-3 वाइट के रन है और फिर एक वाइट के साथ डबल भी आया, तो ऐसी चीजें हुई है वहां पे, तो 9 में से 4 रन तो आप ऐसे ही घटा लिए, 4-5 रन, तो बहुत एक अच्छा ओवर डाला था उन्होंने कि एक ही सिंगल कंसीड किया, एक चौका लास्ट बॉल पे रन आउट किया धोनी ने, तो डेथ बॉलिंग कंसर्न्स लग रहे हैं, लेकिन वही है कि टीम जो प्रेशर में खेलना जानती है वही उभरेगी, जो चेन्नई ने इन दी एंड अपनी बैटिंग से किया, और वो उसका बहुत बड़ा जो जाता है श्रेय हो जाता है रचिन रविंद्र को, 7 में 70 अगर आपने कर दिया 174 की चेज में, तो फिर आपने अपने आने वाले बैट्समैन के लिए बहुत ज्यादा कोई दिक्कतें छोड़ी थी। जी अब सीएसके जो आपकी फेवरेट टीम है उनका स्कोर कार्ड आप बताना चाहेंगे किस तरीके से रहा ओवरऑल पूरा? देखिए युवराज गायकवाड़ 15 रन बनाए उन्होंने, वो भी ठीक नजर आ रहे थे, 3 चौके मारे थे उन्होंने, 100 की स्ट्राइक रेट पे थे, कहीं ना कहीं लग रहा था कि प्रेशर है कहीं ना कहीं कैप्टनसी वाला। उसके बाद रचिन रविंद्र राय जिस तरीके से शशांक ने बताया कि 250 के स्ट्राइक रेट से खेलते थे, 246 का स्ट्राइक रेट था, वो भी बढ़िया नजर आ रहे थे, जिस तरीके से लगातार उन्होंने छक्के भी मारे, चौके भी मारे, 6 बाउंड्रीज उन्होंने मारे, 3 चौके 3 छक्के बढ़िया नजर आ रहे थे। अजिंक्य रहाणे आए, वो खड़े खड़े जो छक्के मारे उन्होंने, तो वो मतलब सीएसके में आने के बाद तो रहाणे बिल्कुल अलग बैट्समैन नजर आ रहे थे, साथ होता है वैसे ही बिल्कुल उनके साथ भी वही चीज नजर आ रही है। रहाणे 27 रन बनाए,
उसके बाद डेरल मिचेल आए, वो भी उन्होंने भी 22 रन मारे, वो भी बढ़िया नजर आ रहे थे। स्पिन को आप जो हम लोग की बात चल रही थी, स्पिन में बढ़िया खेला उन्होंने, नजर आ रहे थे अच्छे पेस के खिलाफ मजबूत नजर आ रहे थे। उसके बाद वो शिवम दुबे के रहने कहीं से प्रेशर बना उनपे और डेरल मिचेल उससे आउट हो गए। उसके बाद शिवम दुबे ने मैच एंड में जिता दिया जी। और आरसीबी की बॉलिंग आप देखिए, सिराज जो कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव रहे, सिराज से एक्सपेक्टेशंस थी कहीं हद तक कि कहीं ना कहीं आरसीबी के लिए मैच फंसा सकते हैं तो सिराज फंसा सकते हैं, क्योंकि 1200 का पहला मैच था और इतनी ज्यादा जिम्मेदारी उनको उनकी दे सकती थी। डेथ बॉलिंग के लिए लिया जरूर था, मगर वो डेथ बॉलिंग दोनों टीम के लिए मेरे हिसाब से कंसर्न है। 10.5 करोड़ के पाए हाँ, अब डेथ बॉलिंग के लिए वही है कि आप आरसीबी ने ऑक्शन में ऐसा बॉलर नहीं लिया जो बिल्कुल माना हुआ डेथ बॉलर, खराब चीजें हुई है ना। देखिए आप बॉलिंग से रन दे रहे ठीक है, उसके बाद अब जब आप ये चीज बॉलर्स के लिए जो कहा जाता है कि बॉलर्स के लिए अच्छी खराब हो रही है, आपको दो बाउंस में लाइट कर अलाउ करें, लेकिन इसके बाद आप लगातार वाइट डाल रहे हैं। गलती हुई डुप्लेसी से भी, गेजदयाल का एक ओवर तो मैंने बोला है, गेजदयाल का भी एक ओवर बचा हुआ था, दयाल का वही दयाल के ओवर बचे थे, 28 ओवर बचे थे, दयाल के जरूर टीम में 28 दिखेंगे लेकिन बॉलिंग खराब नहीं करी। अल्जारी जोसेफ ने बॉलिंग खराब करी है तो उनको रन पड़े, दयाल की अच्छी स्टार्टिंग में पावर प्ले में मैक्सवेल को लाया जा सकता था रचिन रवि के अगेंस्ट, मयंक डागर मयंक डागर 2 ओवर में आई थिंक 7 रन दिए, 6 रन दिए वहां पे आप नहीं लाए, तो बहुत सारे कैप्टनसी ब्लंडर्स यहाँ पे हुए। लेकिन स्टिल आरसीबी फैन जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, जरूरत नहीं है पैनिक होने की, पहला मैच है अभी, क्योंकि आरसीबी को ऐसा कोई जाननी भी नहीं जाती कि वो बहुत अच्छा सीजन स्टार्ट कर ले या कुछ भी हो। पॉइंट टेबल की बात करूं तो उनकी इकोनॉमी काफी है, मेरे को लगता नहीं 18वें ओवर में गई थी तो ज्यादा बढ़ी हो, लेकिन वही है ना, अभी तो मेरे को लग रहा है पॉइंट टेबल अभी हमको नहीं देखना चाहिए, पहले मैच पॉइंट टेबल मजा आएगा, पॉइंट टेबल पे मेरे को लग रहा है हम तब आएंगे जब संडे को वो एमआई वाला मैच हो जाएगा, क्योंकि तब हर टीम अपना एक एक मैच खेल चुकी है, उस टाइम पे हम पॉइंट टेबल पाएंगे। लेकिन अभी तक के लिए मेरे को लग रहा है इस सेशन में, इस हाइलाइट्स में तो हम यही बोलेंगे कि कुछ कैप्टनशिप ब्लंडर्स दोनों की तरफ से हुए। एक मेन चीज नजर आई कि डेथ बॉलिंग दोनों टीम की, हाँ दोनों टीम की ये चीज साफ हो गई कि दोनों टीम की कमजोर है डेथ बॉलिंग, लेकिन वही है। और मेरे को अभी भी लग रहा है कि क्योंकि वो 7 में 70 नहीं आते तो अभी भी आरसीबी उतनी खराब नहीं करी थी, लेकिन वही कि स्टिल जो हो गया है वो हो गया है। लेकिन इस सेशन में हमने जैसे बोला कि अभी के लिए न्यूज ये है कि सीएसके ये मैच जीत चुकी है, एक अच्छा मैच जीती है जरूर, क्योंकि एक सिचुएशन में सीएसके ऐसा लग रहा था ये 137 ही चेस करने पड़ेंगे, वहां पे आपको 174 चेस करने पड़े। रचिन रविंद्र के लिए बहुत अच्छा डेब्यू सीएसके के लिए उन्होंने, और गायकवाड़ के लिए स्पेशली, क्योंकि हमने बोला वो 7-1 का जो कहीं ना कहीं वो दाग लग सकता था कि आप आरसीबी से इतने टाइम बाद, इतने सालों बाद अपने होम ग्राउंड में हारे, वो नहीं हुआ है, तो वेरी हैप्पी फॉर ऋतुराज गायकवाड़। उनकी कैप्टनसी स्टेंट के लिए चीज अच्छी, क्योंकि चेन्नई ने ये चीज 2 साल पहले ट्राई करी थी और जडेजा के साथ वो एक मिजरेबल फेलियर हुआ था वहां पे, तो वेरी हैप्पी फॉर ऋतुराज गायकवाड़, अच्छी चीजें करी है। कल बड़े मैच है, दिल्ली वर्सेज पंजाब है और उसके बाद है केकेआर वर्सेज हैदराबाद। ऋषभ पंत वापस आ रहे हैं तो आपके लिए पहला मैच देखने का सबसे बड़ा पॉइंट है, ऋषभ पंत 1.5 साल बाद वापस आ रहे हैं तो जरूर वो मैच जुड़ जाइएगा, 2 बजे से डीएनए आपके साथ जुड़ जाएगा, फैंटेसी 11 भी आपके पास 1 बजे वो वीडियो आ जाएगी, और टॉस से पहले हम आपके साथ प्री मैच लेके आई जाएंगे और मैराथन कल भी चलेगा। उसके बाद जो मैच है आई थिंक हैदराबाद और केकेआर, वापसी हो रही है श्रेयस अय्यर की, स्टार्क 25 करोड़ के बाय केकेआर, लव आप लव की एक्साइटमेंट देख ही रहे हैं किस हिसाब से वो मैच चलेगा, रिंकू सिंह, और उसके बाद हैदराबाद पे आऊं मैं, हैदराबाद देखिए पैट कमिंस को कप्तान बनाए, एडन माक्रम को कप्तानी से हटा के, जबकि उन्होंने कुछ ऐसा गलत किया नहीं था साउथ अफ्रीका टी20 लीग के लिए भी, तो वो फ्रेंचाइजी के कुछ ऐसे कदम है, कुछ अच्छी खबरें हैं, कुछ बुरी खबरें तो नहीं है, मतलब कुछ सैड खबरें हैं, कुछ पूरा मतलब यही फीवर, आईपीएल फीवर, आईपीएल फीवर जो हम कहते हैं कि वो जो नाम भी आईपीएल फीवर में डीएनए, वो आप देखते रहिए, आप फॉलो कर लीजिए हमारे फेसबुक पेज को, आप ये वीडियो अगर फेसबुक पे देख रहे हैं लाइक कर लीजिए, वाईटी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज ये खुशखबरी है कि डीएनए के आपके सपोर्ट की तरफ से जो हमारी वाईटी है उसमें 5 लाख सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए हैं, अब कोशिश करेंगे कि आईपीएल खत्म होते होते हम वो जो 1 मिलियन वाला नंबर है उस पे भी बहुत ज्यादा करीब पहुंच जाए, उसके लिए कीप वॉचिंग डीएनए। डीएनए ने अपना ऐप भी लॉन्च कर दिया, ऐप स्टोर प्ले स्टोर दोनों पे वो अवेलेबल है, तो उसको भी जाके जरूर इंस्टॉल कर लीजिए सारी अपडेट्स के लिए, कीप वॉचिंग डीएनए।